अभी अंदर का हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ। जब गेट के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, अंदर राइट साइड में जाने का, समाधि के पहले पहले एक राइट है, राइट में 10-12 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाएंगे ना, यहाँ से फिर सारा पॉइंट इसका स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऊपर जाने के बाद किले का सबसे बड़ा तोप जिसका नाम है कलाल बांगरी, जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप है, लेकिन हमारे भारत में इसका 3 नंबर आता है, क्योंकि अपने भारत का जो सबसे बड़ा तोप है ये बीजापुर में है जिसका नाम है मुलुक मैदान तोप, 2 नंबर दौलताबाद में जिसका नाम है मेंढा तोप, और 3 नंबर जंजीरे के अंदर कलाल बांगरी। 22 टन का एक तोप है, मतलब 22,000 किलो का एक तोप है, और उसका रेंज जब गोला चलता था ना 6 से 7 किलोमीटर तक उसका रेंज था। तोप का खासियत क्या है, 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट नहीं होता है। पहली बार अगर इसको गोला चलाते ना तो दूसरी बार गोला अगर इमरजेंसी के लिए चलाना है तो वो हीट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है सर? वो इसके लिए ना कि अगर जंग के लिए एक बार उसको यूज करते हैं और सडनली इमरजेंसी है, जंग खत्म नहीं हुआ, उसको यूज करना है तो उसमें गोला बारूद लोड करके तुम उसको यूज कर सकते हैं। उसका खासियत क्या है कि वो गर्म नहीं होता है। अगर एक बार अगर वो धूप में गर्म हो जाए ना तो उसमें हम वापस से गोला लोड नहीं कर सकते, वो अपने आप जगह पे ऑन द स्पॉट फट जाएगा। और 5 मेटल में बनाया हुआ है, इसके लिए वो गर्म नहीं होता है। अब तोप देख के आगे बढ़ेंगे, ये 2 बुरुज क्रॉस करके तीसरे बुरुज पे जब जाएंगे ना, सामने समंदर के बीच में आपको और एक किला दिखाई देगा जिसका नाम है पद्मदुर्ग, उसको कासा किला भी बोलते हैं। और ये सिद्धि से ये किला संभाजी महाराज ने बनाया था जंजीरा किला जीतने के लिए। अच्छा। और हिस्ट्री में जंजीरा किला जो है ये अजिंक्य किला मींस अनकॉन्कर फोर्ट है, कोई भी इस किले को जीता नहीं। जीतने के लिए बहुत से राजा ने ट्राई किया है, चीमाजी अप्पा, कान्हूजी आंग्रे, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को उस टाइम पे वो पीरियड में यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं मिला, उनका बिजी टाइम था। तो इसकी याद में मावलन रत्नागिरी में एक किला बनाया जिसका नाम है सिंधुदुर्ग, सेम जंजीरे का कॉपी है, वो 40 एकड़ में है तो ये 22 एकड़ में है, और सेम वो भी समंदर के बीच में है, ये भी समंदर के बीच में है। तो तीसरे बुरुज से हमको एक समंदर के बीच में और एक किला दिखाई देता है जो संभाजी महाराज ने बनाया हुआ है, छत्रपति संभाजी महाराज ने। तो वो किला जो है ना जंजीरा किला जीतने के लिए बना रहे थे, अभी वो किले का काम पूरा नहीं हुआ था, उसका नाम रखा गया था पद्मदुर्ग, उसको कासा किला भी बोलते हैं। और सिद्धि लोगों को पता चल गया कि सामने मराठा फौज है और संभाजी महाराज जंजीरा किला जीतने के लिए और एक किला बना रहे। अब सिद्धि लोगों को पता चलने के बाद ये लोग का फौज उतना स्ट्रांग नहीं था तो ये लोग ने मुगलों से कॉन्टेक्ट करके रायगढ़ फोर्ट पर अटैक करा दिया। जब रायगढ़ फोर्ट पर अटैक हो गया, संभाजी महाराज को वहाँ से मैसेज आया आपको रायगढ़ पर आना, यहाँ पर मुगलों का हमला हो गया, पूरी सेना लेके संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो बनाने और ये जीतने से ज्यादा जरूरी संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाना था क्योंकि वो उनका राजधानी था। तो रायगढ़ बच गया, वो किला अधूरा रहा, ये किला अजिंक्य रहा। तीसरे बुरुज से नीचे उतर के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा मीठे पानी का तालाब आता है जो 60 फीट डीप है, ऐसे 2 तालाब है, एक 30 फीट डीप है तो दूसरा 60 फीट डीप है। तो वो पानी कैसे आए मैं आपको पहले बता दिया कि किले के बांधकाम के लिए सारे पत्थर यही बेट से निकाले, बेट से पत्थर निकालते 60-70 फीट डीप नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को 2 चीज मिल गया ना, किला बनाने के लिए पत्थर, पीने के लिए पानी, जहां पानी वहां बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक किले के अंदर 450 घर का बस्ती था, 2 समाज का लोग था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। 47 तक किले के अंदर मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट, 5वीं क्लास तक स्कूल था, मंदिर था, मस्जिद था। लेकिन 1947 के बाद हमारा देश आजाद हो गया, यहाँ से राजाओं का राज खत्म हो गया, यहाँ के जो लास्ट राजा थे ये छोड़ के इंदौर चले गए, अब बची इनकी प्रजा। जब तक राजा था हर चीज राजा से मिल जाता था, राजा के जाने के बाद इनको काम नहीं है, रोजगार नहीं, लोग आहिस्ता आहिस्ता किले में से निकल गए और जाके आसपास के गाँव में बसने लगे। 1972 में पूरा किला खाली हो गया। अब तालाब के पास से 125 पायरी चढ़ के जब ऊपर जाते हैं ना तो ये किले का सबसे बेस्ट पॉइंट है जिसको बाले किला बोलते हैं। और हम लोग नीचे से जो टाइम हमारा बोट का रहता है वो टाइम में हम लोग है ना पूरा कवर नहीं कर सकते, और मेन रीजन क्या है कि अंदर झारी खंडर हो गया है और सारे रास्ते ब्लॉक हो गए, तो इसके लिए हम लोग उतना वहाँ नीचे से देख नहीं सकते जितना ऊपर जाके देखेंगे। जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना तो समंदर के बीच में 22 एकड़ में किला कैसे बनाया, किले के अंदर क्या है, इसके पीछे अरबियन सी, सामने वाला फोर्ट, बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। वहाँ से व्यू देख के फोटो लेके वही सीरी से रिटर्न नीचे आने का, राइट में आएंगे ऐसे एक पत्थर का इमारत दिखाई देगा जिसको राजवाड़ा कहते हैं, यहाँ पे राजाओं का दरबार भरता था, मीटिंग होता था। वहां से आगे बढ़ेंगे, दूसरा मीठे पानी का तालाब आता है जो 30 फीट डीप है, उसी के बाजू में मस्जिद है, और ऐसे वहीं से हमको मेन गेट में बाहर आना होता है। तो जब बाहर आते हैं ना या अभी जाने के टाइम पे ऊपर गेट में देखेंगे तो राइट साइड में पत्थर में तराश के आपको एक चित्र बनाया हुआ दिखाई देगा, इसमें एक शेर और 6 हाथी है। तो ये क्या था, तो ये लोग का राज मुद्रा था, जैसे अभी हमारे कॉइन के ऊपर होता है अशोक चक्र त्रिमूर्ति गांधी जी, उस टाइम पे जो किले के अंदर तांबे पित्तल का कॉइन चलता था जिसको अरबी में अशरफी और मराठी में नाने कहते हैं, तो ये कॉइन का जो सिक्का था ना इनका गेट
पास था। किले के लोगों को बाहर जाके वापस किले में एंट्री करना है तो उनके पास वो कॉइन होना चाहिए, वरना स्ट्रिक्टली कैसा ऊपर दो साइड में दो विंडो बनाया हुआ है। लोखंडी भाला लेके दो सिपाही हमेशा खड़ा रहता था, अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा तो उसे दुश्मन या जासूस समझ के ऊपर से ही भाला मार के खत्म करते थे, गेट के अंदर एंट्री नहीं दिया जाता था। ये हो सकता है दुश्मन होगा या जासूस होगा। तो ये इसका पूरा हिस्ट्री था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।